नामदेव कांबळे जेएमए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. आपण पाहत आहात जेएमए न्यूज बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. बस सोबत धडक होऊन भीषण अपघात, आग लागल्याने कार मधील 5 जणांचा होरपळून मृत्यू. दिल्लीत दिवाळीत फटाक्यावर बंदी, केजरीवाल सरकारचा मोठा निर्णय. सरकारने आता तरी जागे व्हावे, मराठा तरुणाच्या आत्महत्येनंतर संभाजीराजांचे आवाहन. एमपीएचे शेतकरी, अटक करण्यात आलेल्या दहशतवाद्या संबंधित धक्कादायक माहिती उघड. कर्जात बुडालेल्या एअर इंडियाच्या खरेदीसाठी बातमी आहे कुर्ला पश्चिम 3 नंबर खाडी मधून. ब्रहन मुंबई महानगरपालिका आशिया खंडात अव्वल क्रमांकावर मानली जाते, मात्र आतून पोकळ झालेली महानगरपालिका त्यातच एल विभाग भ्रष्टाचारात अव्वल क्रमांकावर आहे. असाच प्रकार प्रभाग क्रमांक 161 मध्ये 3 नंबर खाडी परिसरात डिसेंबर 2020 मध्ये नवीन दुमजली शौचालय बांधले आहे. जानेवारी 2021 मध्ये त्यांचे उद्घाटन स्थानिक आमदार व नगरसेवक यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. तेव्हापासून शौचालय सातत्याने लिकेज होत होते, त्याबरोबरच चकोपी होत होते. त्यामुळे स्थानिक नागरिक चिंतेत आहेत, मात्र तेच शौचालय पुन्हा 9 महिन्याच्या कालावधीतच पुन्हा दुरुस्तीसाठी घेण्यात आले आहे. त्यामुळे शौचालय बांधते वेळी निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केल्याचा आरोपही स्थानिकाद्वारे केला जात आहे. शौचालय कामात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोपही नागरिक करीत आहेत. शौचालय बांधणेवेळी सर्वे न करताच, स्थानिकांना विश्वासात न घेताच स्थानिकांना डावलून वेगळ्या संस्थांना चालवण्याकरता देण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कुतुब आलम शाह यांनी केला आहे. आमचे प्रतिनिधी संतोष पवार यांचा ग्राउंड झिरो रिपोर्ट, चला तर पाहूया. आपण आलो आहोत साकीनाका स्थित 3 नंबर खाडी येथे, वार्ड क्रमांक 161 इथे नागरिकांच्या बऱ्याच तक्रारी आलेल्या आहेत की इथे जे शौचालय बनवलं गेलंय 2020 साली शेवटी 2021 मध्ये, तर हे शौचालय 28 सीटचं असून आणि 8 ते 9 महिन्यातच इथे गळती लागलेली आहे. आणि हे शौचालयाचं उद्घाटन स्थानिक आमदार शिवसेनेचे आमदार दिलीप लांडे तसेच 161 शिवसेना नगरसेवक विजू शिंदे यांच्या हस्ते याचं उद्घाटन झालेलं आहे. आणि तरी या 8-9 महिन्यामध्ये हे शौचालयाची पुन्हा एकदा डागडुजी करण्याचा हे लोक प्रयत्न करत आहेत. आणि याचे लिकेज होत आहे, या लिकेजमुळे आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना याचा बराचसा त्रास होत आहे. रोगराई पसरत आहे, सांडपाणी जे सगळं घाण पाणी यांच्या घरादारात शिरत आहे. आपण जाणून घेऊया इथल्या स्थानिक जे लोक आहेत त्यांची मत काय असतील. बोलो, आपको क्या इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसका उद्घाटन कब हुआ, आप क्या आपके विचार क्या है इसमें? इसका उद्घाटन 8-9 महीने पहले हुआ था. इससे बहुत अच्छा था, जो इसके पहले जो शौचालय था वो चल रहा था. यहाँ के लोगों ने रोका भी उसको, जमीन मत तोड़ो, इसको तोड़ने के लायक नहीं है, हमारा काम चल रहा है. लेकिन उसको कुछ लोगों ने तोड़ के ऐसा 2 महीने के बना के और उसमें 2 नंबर का काम लोगों ने किया है, जो कि 8-9 महीने के अंदर लीकेज होना चालू हो गया. तब पूरे भर गया, तब टाटी भर गया, तब ऊपर से लीकेज हो रहा है, नीचे से लीकेज हो रहा है, तब बद से बदतर हालत हो गई. आज हमारे कुतुब आलम भाई ने इसको कंप्लेन करके इसको येलो आर्ट में और इधर से लेकर इसको दोबारा काम करवाया. इसको अपन कई महिला से एक मत जानू जो है भाभी, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भाभी बोलो, आप इस शौचालय में जो लीकेज हो रहा है उससे क्या आपको तकलीफ हो रही है, क्या उसके आप कहना चाहोगे? ये तो बहुत अच्छा बात है, इससे पहले जूना वाला बाथरूम था वो अच्छा था. यहाँ के लोग बोले इसका इससे रहने दो, लेकिन माने नहीं, तोड़ के डबल माला बनाया और तो बेकार हो गया. लीकेज हो रहा है, परेशानी हो गई, सबको ही परेशानी हो रही है. ठीक आहे, म्हणजे लोकांचं असं म्हणणं आहे की हे शौचालय बांधल्यानंतर इथे भरपूर त्यांना मानसिक त्रास होतोय, शारीरिक त्रास होतोय. आपल्याबरोबर आणखी एक नागरिक आहे, हमारे साथ मजबूत हुआ था कि चाहिए शुरू में, वो मैं उनको बोला कि भाई ये बाथरूम अभी बना, दोनों बाथरूम मेरा ज्यादा है, हम नहीं है बहुत है, उसको बाथरूम डबल माले बनाने को जरूर है. उसको मैं कहा कि भाई मैं
नीचे ऊपर मिला के 22 कोलेट बना दूंगा, लेकिन अभी मैं सुन रहा हूँ कि इसमें 9 या 10 चंदा नीचे जमीन में, और यहाँ की जनता कम से कम 10,000 पब्लिक आते ऊपर से लेके अशोक नगर से लेके लेडीज को बहुत तकलीफ है। 3 चंदा था, साल भर से 3 बाथरूम चालू है, बाकी सब बंद पड़ा था, समझो। ये अभी जब चालू हुआ रिपेयरिंग तो समझा अभी नहीं पूरा क्लियर हुआ, अभी भी चालू है, अभी पूरा बाथरूम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने रुकावट डाला। जब मैं रुकावट डाला तो रिक्वेस्ट कर दिया, बोले 11 मेंबर बनाओ। मैंने कहा अभी मेरा प्लान कुछ नहीं, मैं उसको बनाऊ, लेकिन मेरे उपाय के दूसरे लोग को बना लिया, दूसरे लोग को बना के और देश में आने मत दो ना लोगों। आपण पाहतो लोकांचा रोष वाढलेला आहे। आता आपण वार्ड क्रमांक 161 चे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वार्ड अध्यक्ष कुतुब आलम भाई यांच्याशी संवाद साधूया। कुतुब भाई आप बताइए, हकीकत क्या है, क्या हुआ है, क्या मसला? मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं तो सबसे पहले यही चीज करना चाहता हूँ, ये शौचालय जब बना, पहली बात तो ये शौचालय को बनाने की जरूरत नहीं थी, रिपेयरिंग नहीं करते तो भी कैसा जो पब्लिक का जो पैसा है पैसा बच जाता है, और बनाने के बाद भी इन लोगों ने ऐसा बनाया है कि मतलब आज सोच रहे लोग कि पहले वाला अच्छा है, कि मैं नहीं, यहाँ के लोकल रहवासी लोग कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके मीडिया के माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूँ, मैं ये जब शौचालय बन रहा था तो इसकी तकरार मैं 27 जनवरी 2020 उस वक्त पे मनीष वालुन सर और गनगने साहब ये लोग मतलब ऑफिसर थे, और मनीष वालुन सर के साथ में मेरी मीटिंग भी हुई थी इस बारे में, जबकि यहाँ पे फिर से शौचालय या फिर टेम्पररी शौचालय भी दिया नहीं गया था, तो हमारी तकरार के बाद यहाँ पे फिर से शौचालय या टेम्पररी शौचालय भी दिया गया। उसके बाद क्या होता है, शौचालय का काम चालू हो रहा है। शौचालय का जब काम चालू हो रहा है तो काम चालू होते 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 ये सब काम किसका है, जिसके निधि से काम हो रहा है, वो आके ऑफिसर के साथ में सर्वे करके सब देखने वाला था। जैसे हम जैसे लोग को जब मालूम पड़ रहा है कि काम कच्चा हो रहा है, हमने लेटर डाला इसका कि काम कच्चा हो रहा है, भूसा इस्तेमाल हो रहा है, सलिया बराबर नहीं है, लोहा बराबर नहीं है, तो किसी ने इंटरेस्ट लिया नहीं, हमने तो तकरार भी किया। उसके बाद भी ये शौचालय बन रहा है, फिर बाद में कचर कुंडी का फिर मामला खड़ा हो रहा है। ये शौचालय बनने के बाद उस टाइम पे भी फिर से शौचालय में इतनी तकलीफ लोगों को हुई है, कितने लोगों ने पैसा देके वो शौचालय चलाया, अभी ये सब बातें भी आके लोगों को मतलब रहवासी के तरफ से मालूम पड़ रहा है, रहवासी के तरफ से मालूम पड़ रहा है। और इसके अंदर एक बड़ी बात है कि ये शौचालय के ऊपर एक टाकी दी गई है। टाकी का मतलब क्या होता है कि टाकी का मतलब ये होता है कि शौचालय में जो भी गंदगी वगैरह कुछ भी है, पब्लिक क्या अपने घर से एक बार पानी ना लाए, जबकि अगर गंदगी जैसे कि एक बाल्टी किसी ने पानी लाया, अब वो शौचालय में कोई गया, अब शौचालय में पहले से गंदी है, अब उसने एक बाल्टी पानी लाया है तो एक बाल्टी पानी को शौचालय में डालेगा तो बाद में क्या करेगा, फिर से घर पे आएगा। तो इसके लिए एक सुविधा जो है अपना बीएमसी ने हमको दिया कि टाकी वगैरह लगाने का, ठीक है, फंड में लिया भी जाता है, कॉन्ट्रेक्टर उसको पास करके अपना पैसा भी लेता है, ऐसा कुछ नहीं, तो वो होने के बाद भी यहाँ पे टाकी पूरी खाली रहती है, तो टाकी का मोटर ये सब जवाबदारी किसकी है? शौचालय बना के आपने छोड़ दिया, और शौचालय में पाइप कितने यहाँ पे लोडेड है, आउटपुट कैसा निकलेगा, ये सबका दिमाग नहीं, मतलब शौचालय बना, ओपनिंग हुआ, लोग अपने घर घर बैठ गए, अभी नगर सेवक किधर, आमदार किधर, ऑफिसर किधर, किसी को पता नहीं, लोग बेचारे करेंगे क्या? आप आमदार के पास गए थे, नगर सेवक के पास गए थे इसकी शिकायत करने? सबसे बड़ी बात ऐसा है कि नगर सेवक हो चाहे आमदार हो, वो होता है प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका काम क्या है कि जनता के सुख दुख में आने का, जनता जाके ढूंढने वाली किसी नगर सेवक को आमदार को, हम जो लेटर देंगे बीएमसी में दिया, जो हमारा हक है हमने बीएमसी में लेटर दिया, हम उनको क्यों दे, बीएमसी काम करवाती है। इस देश में किसी को अकाउंट नहीं दिया, प्रधान सरपंच को छोड़ के, अकाउंट चाहे नगर सेवक हो चाहे आमदार खासदार हो, वो अपना प्रस्ताव डिपार्टमेंट को देते, डिपार्टमेंट पास करता है, ये काम चलता है। तो वैसे हमने प्रस्ताव दिया उनको, इंटीमेशन लोग इधर के गए भी, जैसे कि चाचा ने कहा, अभी अंसारी भाई ने कहा, जैसे महिला ने कहा कि यहाँ के लोग उधर गए भी, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं, बोले हो रहा है। कॉन्ट्रेक्टर ने जब इतना गलत काम किया तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, और कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर हमने क्रिमिनल केस क्यों नहीं लेने को काबू, इतना बड़ा घोटाला, पैसा चोरी, चाहे वो जनता के पैसे की करो चाहे कोई कंपनी की करो, चोरी होती है, तो इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? खाली आप कॉन्ट्रेक्टर को बुला के दो बात खाली झाड़ दोगे, वो भी मुकादमा रहता, कॉन्ट्रेक्टर भी रहता नहीं, उसको तुम झाड़ दोगे, काम होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, क्या है ये सब हम लोग पिक्चरों में देख लिए, समझे, हमको हकीकत में काम चाहिए। अभी आपका आगे का प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हैं? हमारा देखो सर, आगे का प्लान ऐसा है कि हमने 2 तारीख 8वां महीना 2021 को हमने तकरार किया, लिखित तकरार किया, लोगों का सिग्नेचर भी सब कुछ इसमें, लोगों ने तकरार किया मेरे पास आके, तो मैंने जब मैं बीएमसी में किया
वो ये काम 9 तारीख को चालू हुआ रिपेयरिंग का। रिपेयरिंग का काम को हमको खुशी हुई। जब वो रिपेयरिंग का काम चालू हो रहा है सर, आपके मीडिया से माध्यम से मेरे को ये भी चीज बताना है कि काम हो रहा है टॉयलेट का नीचे का, नीचे का जो भी आउटपुट ऊपर आ रहा है, फिर वो सीलिंग का कुछ पार्ट गिर रहा है, मतलब एक एक ठीक करने जा रहे हो तो खराब हो रहा है, मतलब पूरा एक घोटाला है ये, मतलब एक शौचालय घोटाला है, इस वार्ड में शौचालय घोटाला हुआ है, मेरे को लोगों को बताना है। इसमें तकरार के पास सब कुछ, मैंने फिर आरटीआई भी दिया हूँ कि मुझे इसकी पूरी माहिती दी जाए, इसमें क्या मटेरियल यूज है, क्या सामान यूज है, बाकी अभी तक खाली क्यों रहती है, ये संभाल रखो ने कौन से संस्था को आपने दिया है, ये सब की मुझे माहिती चाहिए। इसका पूरा जो भी प्रोसीजर है, जो भी इसका टेंडर है, उसकी पूरी माहिती मेरे को दी जाए, क्योंकि मुझे माहिती मालूम करके उसके ऊपर हमारा तो ये कि हम वार्ड ऑफिसर के पास, जैसे हल्का सदानी मैडम के पास हम जाके इसके बारे में बताए भी, और बताने के बाद उन्होंने कहा ठीक है एक्शन लेंगे, तो मैं क्या चाहता हूँ आरटीआई के माध्यम से उसको स्टडी करके उसके ऊपर क्या क्या पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स देके मैं उनके साथ मीटिंग में बैठूं, और उनके भी जो मतलब कि उत्तर जो भी ऊपर रहेगा कोई भी ऑफिसर, उनके पास भी जाके मैं तकरार लोन कराऊंगा, और हो सकता है मेरे को कमिश्नर लेवल तक जाए तो मैं आईपीसी के थ्रू जो भी क्रिमिनल, जो भी चोरी या अपना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कुछ भी किया कॉन्ट्रेक्टर ने, उसके तहत मैं एक्शन लेने के लिए पुलिस को भी लेटर दूंगा, और यहाँ के लोगों का पूरा साथ मैं कदम बा कदम खड़े रहूंगा, और सब काम अच्छे से अच्छा, क्योंकि ये सब इन्हीं के पैसे का बना है, कोई किसी के घर से लाता नहीं है, नगर सेवक हो अंदर उनको पगार दी जाती है, और ये जनता के पैसे का रहता है, और जनता घोटाला अभी आपको पता है सर कि आदमी को ना एक बार ना घर ठीक ना मिले, मगर शौचालय बराबर चाहिए। अब मैं एक दिन जाके बीएमसी ऑफिस हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस हो जाके ताला मार दूं तो बीएमसी ऑफिसर लोग क्या करेंगे, टॉयलेट किधर करेंगे, तो टॉयलेट वैसा। जनता के बारे में भी सोचो कि कोई भी नगर सेवक के फंड सेवक किसके फंड सेवक, इतना बड़ा घोटाला कैसा हुआ, अगर घोटाला हुआ है तो इसका मुझे लोन चाहिए क्यों हुआ, और उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक को आप पकड़ोगे तो पूरी इनकी चोरों की टोली सब रुक जाएगी, कॉन्ट्रेक्टर लोग सब अवेयर होना चाहिए इस बात के, ये कि हमारा काम है और हमको इसी चीज को लेके जाना है, चाहे इसके लिए आंदोलन भी करना पड़े तो हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती है कि आंदोलन, आंदोलन जब लोगों ने किया तब देश आजाद हुआ, तो ऐसे आंदोलन करेंगे। इस चोर जो कॉन्ट्रेक्टर है, जो भी गंदे लोग हैं, इनको अपने को दूर करना, उनको ब्लैकलिस्ट करवाना है, ये हमारी मांग है। तो ये होते आलम शाह, यांचं म्हणणं आहे की या लोकांनी वारंवार महानगरपालिका प्रशासनाला पत्र व्यवहार केला असताना देखील त्यांनी दखल घेतलेली नाहीये, हे मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत आहे, रोगराई ते पसरत आहे, वारंवार तक्रार करून देखील जर दखल घेत नसतात तर मग महानगरपालिका नेमकी करत काय आहे। मी नामदेव कांबळेसह संतोष पवार, मुंबई। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।